सब्सक्राइब करें साइंस विद वीएस चैनल को और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको मिलते रहें साइंस और मैथ्स के सुपर वीडियोस। चैप्टर है आरएस अग्रवाल का, उसका क्वेश्चन नंबर 2। इससे पहले हमने क्वेश्चन नंबर 1 किया है और उससे पहले 6 थ्योरम्स भी किए हुए हैं। सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपने वो सब वीडियोस नहीं देखे हैं तो प्लीज उन्हें जरूर देखें। यहां पे हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास 3 पार्ट्स हैं। उसका पहला पार्ट यहां पे है, क्या कह रहा है देखिए। डी एंड ई आर पॉइंट्स ऑन साइड ए बी एंड ए सी रिस्पेक्टिवली ऑफ ट्राइंगल ए बी सी सच दैट डी ई इज पैरेलल टू बी सी। आपको दिया हुआ है कि डी ई जो है वो बी सी के पैरेलल है, जैसा क्वेश्चन नंबर 1 में था बिल्कुल वैसा ही है। बस आपको x का वैल्यू यहां निकालने बोल रहा है। यहां पे देखिए 4 चीजें हमको दी हुई हैं, हमको बोल रहा है कि x का वैल्यू निकालिए। तो चलिए करते हैं, बहुत ही सिंपल है। चलिए तो सबसे पहले हमारे पास क्या दिया हुआ है, हमारे पास दिया है कि DE और BC आपस में पैरेलल हैं। सिंस DE इज पैरेलल टू BC therefore क्या होगा, DE जब BC के पैरेलल होता है तो साइड्स का रेशियो इक्वल होता है, तो उन्हीं साइड्स का इक्वल रेशियो इक्वल लेते हैं जो साइड्स एक दूसरे के आमने सामने हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास AD और DB है। तो देखिए AD और DB, AB का साइड्स है तो इनका तो रेशियो लेंगे ही, AD बाय DB ले लिया। अब देखिए AD के सामने क्या है, AD के सामने यहाँ पे AE है तो AD के सामने हम AE लिख देंगे। और DB के सामने क्या है, देखिए DB के सामने हमारे पास EC है तो यहाँ पे हम लोग EC लिख देंगे। तो ये कहाँ से आ रहा है, ये BPT से आ रहा है, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, या इसको हम थेल्स थ्योरम भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये आपको मिल गया। अब इनके वैल्यूज देखिए क्या दिए हुए हैं, AD और DB तो दिया है, AE भी दिया हुआ है और AC भी दिया हुआ है। कितना सिंपल है, बस वैल्यूज को पुट करना है। AD हमारे पास क्या है, x, DB हमारे पास क्या है, x माइनस 2, AE हमारे पास क्या है, x प्लस 2, EC हमारे पास क्या है, x माइनस 1। ठीक है, चलिए क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा x इंटू एक्स माइनस 1, ये हो जाएगा x माइनस 2 और x प्लस 2। तो x से मल्टीप्लाई होगा दोनों, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस x। अब देखिए ये देखिए यहाँ पे x माइनस 2 x प्लस 2 a प्लस b a माइनस b वाले फॉर्मूला पे ये आ जाएगा। क्या आता है, a प्लस b a माइनस b का क्या फॉर्मूला होता है सर, a प्लस b a माइनस b का फॉर्मूला होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो वही यहाँ हम लोग पुट कर लेंगे तो यहाँ x का स्क्वायर आ जाएगा माइनस 2 का स्क्वायर क्या होगा, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा x माइनस 2 x प्लस 2। तो इस फॉर्मूला पे हम लोग इसको पुट कर देंगे तो x इंटू एक्स क्या हो जाएगा, x स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2 क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो ये आपके पास आ गया x स्क्वायर माइनस 4 या x स्क्वायर माइनस x। अब देखिए दोनों तरफ x स्क्वायर है तो x स्क्वायर को तो हम कैंसिल आउट कर देंगे, तो माइनस x इज इक्वल्स टू माइनस 4, माइनस माइनस कैंसिल आउट, तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा सर, x का वैल्यू आ जाएगा 4 सेंटीमीटर। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट। तो यहाँ पे हम लोग करेंगे सेकंड पार्ट क्वेश्चन नंबर 2 का, एक्सरसाइज 7A का। यहाँ पे हमारे पास देखिए क्या दिया हुआ है, D एंड E आर द पॉइंट्स, वही सेम ही चीज दिया हुआ है क्या, कि DE जो है वो BC के पैरेलल है। आपको चारों पार्ट्स के वैल्यूज दिए हुए हैं, x का वैल्यू सर निकालना है। हमको क्या निकालना है, हमको x निकालना है। तो सेंस हमारे पास क्या है, हमारे पास है कि DE जो है वो BC के पैरेलल है, देयरफॉर क्या होगा, देयरफॉर जो साइड्स का रेशियो है AD बाय DB का रेशियो किसके इक्वल हो जाएगा, AE बाय EC के इक्वल हो जाएगा। यही ना थेल्स थ्योरम कहता है, एकदम सिंपल है, कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो ये कहाँ से आ गया, ये आ गया BPT से, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम या फिर हमारा थेल्स थ्योरम। ठीक है, तो इनके वैल्यूज हम लोग पुट कर देंगे, AD 4 है, DB है x माइनस 4। ठीक है, और AE हमारा 8 है और EC क्या है, 3x माइनस 19। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, 4 इंटू क्या आ जाएगा, 3x माइनस 19, 8 इंटू क्या आ जाएगा, x माइनस 4। ठीक है, इसे अगर 3x को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 12x, 4 इंटू 19 हो जाएगा माइनस 76, 8 इंटू एक्स हो जाएगा 8x, 8 इंटू 4 हो जाएगा माइनस 32। ठीक है, तो 8x को इधर लाएंगे, 76 उधर चले जाएगा, 8x यहाँ प्लस में है तो 12x में 8x क्या होगा, माइनस, प्लस है तो इधर आके माइनस हो जाएगा, इधर माइनस हमारा 32 है तो 76 यहाँ माइनस में उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो हमारे पास क्या बचेगा, यहाँ पे 4x बचेगा और इधर बच जाएगा हमारे पास 44। तो x उधर जाके क्या हो जाएगा, 44/4 हो जाएगा। ठीक है, तो x का वैल्यू हमारे पास यहाँ पे हम इसको कटा देंगे तो कटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 11। देयरफॉर x इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा। तो हमारा आंसर कितना हो गया, सेकंड का सेकंड पार्ट का 11 हो गया।
ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग सेकंड का जो थर्ड पार्ट है और जो लास्ट पार्ट है सेकंड क्वेश्चन का वो हम लोग करने वाले हैं। यहाँ पे भी सेम ही चीज है, हमको x का वैल्यू निकालना है, कुछ भी अलग नहीं करना है, क्योंकि हमको यहाँ पे क्या दिया हुआ है, हमको दिया हुआ है कि DE जो है वो BC के पैरेलल है, तो देयरफॉर क्या होगा, देयरफॉर होगा AD बाय DB इज इक्वल्स टू AE बाय EC। ठीक है, तो इनकी वैल्यूज को हम लोग पुट कर देंगे। AD का वैल्यू हमारे पास दिया हुआ है 7x-4, DB का वैल्यू हमारे पास दिया हुआ है 3x+4, AE का वैल्यू दिया हुआ है 5x-2 और EC का वैल्यू दिया हुआ है 3x। ठीक है, तो चलिए क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x into हो जाएगा 7-4 और हमारे पास आ जाएगा 5x-2 into हो जाएगा 3x+4। ठीक है, तो चलिए इसके बाद मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x दोनों से मल्टीप्लाई होगा तो 3 into 7 हो जाएगा 21, x into x हो जाएगा x2, फिर 3 into 4 कीजिएगा तो क्या आ जाएगा -12x। अब यहाँ पे देखिए 5 भी दोनों से मल्टीप्लाई होगा और -2 भी दोनों से मल्टीप्लाई होगा तो 5 into 3 क्या हो जाएगा, हमारे पास आ जाएगा 15x2, 5 into 4 हो जाएगा 20x, -2 से करेंगे तो आ जाएगा -6x, -2 से 4 को करेंगे तो आ जाएगा -8। ठीक है, तो इसके बाद क्या होगा, इसके बाद यहाँ पे जो है हमारे पास ये रहने दीजिए 21x2 -12x। अब देखिए 15x2 वैसे ही रह जाएगा और 20x में 6x चले जाएगा तो हमारे पास कितना बचेगा, 14x बचेगा और साथ में क्या है, -8 है। ठीक है, तो ये हमारे पास ऐसा इक्वेशन आ गया। इस पूरे पार्ट को आप इधर लेते आइए, ये जो पूरा लिखा हुआ है इधर आ जाएगा तो x2 में 21x2 में क्या माइनस हो जाएगा, 15x2। लाइक्स को हम साथ में रखते हैं, -12x जो है और यहाँ पे 14x इधर आके माइनस हो जाएगा, -14x। इसके बाद देखिए 8 यहाँ माइनस में इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस, इज इक्वल्स टू हो जाएगा हमारे पास 0। ये हमारे पास इक्वेशन आ रहा है। अब 21 में 15 जाएगा तो कितना बचेगा सर, 6x2 बचेगा, 12 और 14 दोनों में सेम साइन है तो ऐड हो जाएगा, 12 और 14 हो जाएगा 26x। उसके बाद आपके पास क्या है, +8 = 0। तो ये अब आ गया हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अच्छा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का भी चैप्टर हमारे पास चल रहा है वीडियोस, उसके भी वीडियोस आपको मिलते रहेंगे, उसके लिए आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखें। तो यहाँ पे एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म हो गया, क्या हो गया, 6x2 - 20x, 6x + 8। अब इसको क्या करना है, हमको फैक्टराइज करना है। फैक्टराइज कैसे करते हैं, हम लोग 6x2 को 8 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 6x2 और 8 अगर मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा 48x2। अब 48x2 को हमको फैक्टराइज करना है और उसको कन्वर्ट करना है दो नंबर्स में जिनका एडिशन या सब्ट्रैक्शन किसके इक्वल होगा, 26 के इक्वल होगा। चलिए करते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा 24, यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 12, 6, 2 और 3। तो हमको 26 लाना है, तो देखिए अगर हम यहाँ पे क्या, तो 3 × 2 = 6 × 2 = 12, 12 × 2 = 24। ये अगर हम यहाँ पे 3 × 2 × 2 × 2 करेंगे तो इससे हमको क्या मिल जाएगा, हमारे पास 24 आ जाएगा और एक 2 हमारे पास बच जाएगा, तो 24 और 2 को अगर हम ऐड करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है, 26 आ जाता है। 26 ही तो चाहिए, तो दो नंबर्स हमारे पास क्या आ गए, 24 और 2 आ गए। तो 48 को हम किस में बदल सकते हैं, दो नंबर्स में, 24 में और 2 में। अब यहाँ देखिए x2 है तो 1x इसको दे दीजिए, 1x इसको दे दीजिए। अब हमको लाना क्या है, हमको -26 लाना है, इसके लिए ये भी माइनस हो जाएगा और ये भी माइनस हो जाएगा, -24 - 2, तो उससे क्या आ जाएगा, -26 आ जाएगा, यही हमको करना था। चलिए आगे देखिए, अब 6x2, अब ये स्प्लिट हो गया, किसमें स्प्लिट हो गया, -24x - 2x + 8 में = 0। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग 6x को कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, x बचेगा, -4 बचेगा। इन दोनों में क्या होगा, इन दोनों में देखिए 2 कॉमन आएगा, पर सिर्फ 2 लेने से होगा क्या, यहाँ माइनस भी है सर, तो ये माइनस को भी कॉमन ले लीजिए, -2, तो x - 4 आ जाएगा = 0। अब देखिए यहाँ पे भी x - 4, यहाँ पे भी x - 4, तो ये पूरा उधर आके क्या हो जाएगा, कॉमन आ जाएगा, तो x - 4 हो गया और यहाँ पे क्या बचा, 6x - 2 = 0। तो अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आइदर और वाला कंडीशन लग जाएगा, क्यों लगेगा, क्योंकि इन दोनों का प्रोडक्ट हमारे पास 0 दिया हुआ है, तो आपके पास आ जाएगा आइदर x - 4 = 0 और 6x - 2 = 0। तो यहाँ पे क्या होगा, देयरफॉर x = 4 और x = 2/6 कट जाएगा, कितना आ जाएगा, 1/3। तो या तो हमारा x का वैल्यू 4 होगा या तो हमारे x का वैल्यू 1/3 होगा, दोनों में से कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पे जो है हमारा क्वेश्चन नंबर
टू का थर्ड पास्ट खत्म हो गया, तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर टू पूरी तरह से फिनिश हो चुका है। तो ये एक्सरसाइज 7 ये चल रहा है और इसके आगे वीडियोस आपको मिलते रहें, इसलिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।